मौत की मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता। तू चल। इज्जत ना कर पुत्र। जिंदगी और मौत एक साथ सफर नहीं करते। मेरे सामने मौत खड़ी है और तेरे सामने तेरी जिंदगी, तेरा मकसद। नाना को खत्म करना है तुझे, है? लाना को तू भाग जा, तू भाग जा, तू चल मेरे साथ, तू चल। पुत्र मेरे ऊपर एक एहसान करेगा। मुझे गोली मार दे। अब पुत्र जब जिंदगी मौत से पत्थर हो जाती तो उसे आजाद कर देना चाहिए। पुत्र मैं अगर पुलिस के हाथ में पड़ गया तो उनका जुर्म मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मार दे मुझे गोली, होश दे दे मुझे। वाह, कमाल की सिक्योरिटी है आपकी। एक आतंकवादी को उसके साथी पुलिस हिरासत से निकाल के ले जाते हैं और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगते। डीआईजी साहब, ये तो मेरी मुस्तैदी का सबूत है जो जीतराम की लाश आपके सामने पेश कर दी। मुझे लाशों का सामान दीजिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो उसे उड़ा के ले गई थी। हो ना हो उसके साथ ही इसी शहर में कहीं छिपे हुए हैं, ढूंढ के निकालो ने, वरना ये आतंकवादी इस शहर को शमशान बना देंगे।
सत्यप्रकाश जी आप गलती कर रहे हैं, आप इस गांव में ना ही जाएं तो बेहतर होगा। क्यों, ये गांव हमारे देश में नहीं है क्या? बात ये नहीं है सत्यप्रकाश जी, दरअसल ये खतरनाक आतंकवादियों का गांव है। पिछले 10 दिनों से हमने इस गांव की नाकाबंदी करके रखी हुई है, ना ही कोई इंसान अंदर जा सकता है ना ही कोई बाहर आ सकता है। हमने खाना बिजली पानी सबकी सप्लाई बंद करके रखी है। बिजली पानी बंद करके आपने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है बल्कि नमक रगड़ा है। माना कि वो आतंकवादी है लेकिन उनके गुनाहों की सजा आप उनके बीवी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तो क्या कह रही, इन दरिंदों को खुला छोड़ दें और इनसे कहें कि जाओ जाकर मासूमों की जान लो? आज जिन्हें आप दरिंदा कह रहे हैं कभी वो भी मासूम थे। कहीं कोई अत्याचार तो हुआ है जो मजबूरन उन्होंने हथियार उठाए। गोली का जवाब गोली सरहद पे अच्छा लगता है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं, आदमखोर जानवर नहीं। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ये आपका विश्वास है और मेरा विश्वास यह है कि जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है तो ये लोग क्यों नहीं बदल सकते? एक बात और डीआईजी जय सिंह राणा साहब, ये लोग मुझ पर गोली चलाए भी तो आपकी फौज गोली नहीं चलाएगी। शर्मा जी लाइए, लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे मारने से अगर तुम्हारे बच्चों की भूख प्यास मिटती है तो चलाओ गोली, चलाओ। राजी, इसके हाथ में क्या है, कहीं गोला बारूद तो नहीं? बापू तुम भी खा लो, तुम भी तो भूखे हो। बेटा अगर ये रोटी खाई तो सारी जिंदगी जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा, सरकार ने मुझे वचन दिया है कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी अगर तुमने आत्मसमर्पण कर दिया तो। हमारा हुकूमत का पैगाम है तुम्हारे लिए राणा साहब। आजकल तुम्हारी हुकूमत पैगाम बहुत भेजती है, इनाम कम देती है। ओ, इस बार इनाम का रकम इतना ज्यादा है कि तुम गिनते गिनते थक जाएगा राणा साहिब। अच्छा ISI ने तुम्हारा स्विस बैंक का अकाउंट में 15 करोड़ रुपया जमा भी कर दिया है। इतने पैसों के लिए तो मैं अपनी माँ को भी मार डालू। वो तुम्हें अपना माँ को नहीं अपना बाप सत्यप्रकाश को मारता है जो आतंकवाद को खत्म करना चाहता है। कब? 15 अगस्त को। अगर मैं आज मार दूं तो? राणा साहब तुमको जख्मों पर नमक रगड़ना नहीं आता। 15 अगस्त को जब पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा होगा उस वक्त मौत का धमाका होगा तो बात ही कुछ और होगा। मुझे 15 अगस्त का इंतजार रहेगा। हुसैन आज तू जेल से रिहा हो रहा है, मुबारक हो। जब तक दिल नहीं मिलते हम हाथ नहीं मिलाते। दोस्ती के नाते ना सही, दुश्मनी के नाते हाथ मलाला। सोच ले, जब मैं दुश्मन के साथ हाथ मिलाता हूं तो उसके हाथ की जीवन रेखाएं मिट जाती हैं। ओए, मेरे जाने के बाद बेबस कैदियों पर जुल्म मत ढाना। ये तेरा मशवरा है या धमकी? जो भी है इसे अपने कोल रख, बाकी रही कैदियों की बात, यहां का हर कैदी मेरी मर्जी से जिएगा और मरेगा। ओए, तो तुम उनके खुदा बनना चाहते हो? बनना चाहता हूं और खुदा बनूंगा भी। दिल उनका होगा लेकिन उनकी धड़कनों पर मेरा कब्जा होगा और मैं ये भी फैसला करूंगा कि कौन कैसे जिए, कब तक जिए, मरे तो कैसे मरे। ओए जेलर, एक बात याद रख, तो जैसे खुदाओं के चेहरे की आरती नहीं उतारी जाती
चेहरा ही उतार लिया जाता है। जिस तरह लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांगते हैं ना, उसी तरह मैं तेरे चेहरे को जेल के दरवाजे पर टांग दूंगा ताकि फिर कोई राक्षस इस वर्दी में अंदर ना दाखिल हो सके। खुदा हाफिज। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे ओए। ओए तू जा यार, जा। या अल्लाह, आज ईद का मुबारक दिन है, हर घर में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन ये घर उन खुशियों से महरूम है। या मेरे अल्लाह, इससे पहले कि इन आंखों में अपनी औलाद को देखने की रोशनी ही ना रहे, तू मुझे अपने लाल से मिला दे परवरदिगार। आज एक माह तुझसे अपनी नमाज और रोजों का सिला मांगती है, मुझे अपने लाल से मिला दे मेरे अल्लाह। अम्मी जान, अम्मी जान, अब मैं आ गया हूँ। हुसैन, हुसैन, हुसैन मेरा बच्चा, हुसैन मेरे बच्चे। अम्मी जान, तो आ गया, अल्लाह ने मेरी सुन ली, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है मेरे मालिक, तू आ गया। रजिया, कौन है अम्मी? अरे देख तो कौन आया है। अम्मी कौन आया है? भाईजान, 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 भाई, शुक्र है अल्लाह तेरा। बच्चू, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही हूँ। नहीं भाईजान, मैं तो इन मोतियों से आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे रुला दिया ना इसको, इतने सालों बाद ये घर आया है, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना। जा रजिया। हाँ बेटा, हाँ बेटा, यहाँ बैठ। कैसा है तू? मेरे सर पर तो तेरी दुआओं का साया था माँ, पर देख रहा हूं इन 5 सालों में मेरी माँ मेरी बहन को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। ये तो उम्र की थकन है बेटा, लेकिन तेरे माथे की लकीरें तेरी दुखों की दास्तान सुना रही है। तेरी आंखें कह रही है कि तू एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया। अब तो घर आ गया है, चैन से दो रोटी खा ले, आराम कर। देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। तू किसे मारने जा रहा है? उसे अम्मी जान, जिसने हुसैन के माथे पर मुजरिम का दाग लगा दिया। 5 साल में जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जब मैं जेल से निकलूंगा
और उसे उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगा। तो फातिमा का बेटा खून करेगा? हुसैन के नाम के साथ करबला की तारीख जुड़ी हुई है। उन्होंने उन जालिमों को माफ नहीं किया बल्कि उस जिहाद में खुद शहीद हो गए। मुझे तेरे फैसले पर एतराज नहीं, पर मुझे इतना बता कि तेरे बाद तेरी माँ और तेरी बहन का क्या होगा? फिर भी तू अपनी मन की करना चाहता है तो बेशक जा, मार डाल उस भवानी को, ताकि जिंदगी भर तेरी बहन की हथेली मेहंदी को तरसे और मेरा जनाजा तेरे कंधों को। मैं जानती हूं इन 5 सालों में क्या बीती होगी तुझ पर, क्या कुछ सहा होगा तूने, लेकिन अपना इंतकाम पूरा करने से पहले तुम्हें एक भाई का फर्ज अंजाम देना है। अपनी बहन के हाथ पीले करते फिर मैं तेरे इंसाफ के रास्ते में नहीं आऊंगी बेटा। हुसैन बेटा, अभी गुस्सा छोड़, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुझे निभानी है। आ देखो बेटा, तुझे तेरी अम्मी जान की कसम है, जब तक अपनी बहन को डोली में बिठाकर रुखसत नहीं करेगा तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। ये ममता की बंदिशों का धागा है।